तो हेलो गाइस, कैसे हो? वेलकम टू न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टीवीएस रॉनिन के बारे में। तो रॉनिन को मॉडिफाई करके कैसा बनाया जा सकता है, तो आज की इस वीडियो में आप वही चीज देखोगे। तो यहाँ पे देखिए, ये भैया टीवीएस की रॉनिन और कुछ इस टाइप से बना दी गई है। ये देखिए कितना ज़्यादा मॉडिफाई हुआ है, कितना फुली मॉडिफाइड है यह बाइक। ये देखिए रॉनिन लिखा हुआ है और यहाँ पे बॉबर लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए टीवीएस, यहाँ पे प्रोजेक्टर लेडी का सेटअप। ये देखिए कितना ज़्यादा बल्कि बनाया गया, कितना ज़्यादा बढ़िया लुक दिया गया है। यहाँ पे देखिए टीवीएस की ब्रांडिंग है और रॉनिन वाला ही इंजन इसमें दिया गया है। फ्यूल टैंक अगर आप देखोगे तो आपको रॉनिन वाला ही लगेगा। और इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको बॉबर लिखा हुआ नजर आएगा और पीछे वाला जो पोर्शन है कुछ ऐसा दिखने वाला है। और ये देखिए सीट मॉडिफाई करके कैसी की गई है ना। बाकी यहाँ पे फ्यूल टैंक देखो कुछ इस टाइप से मिलने वाला है। कंसोल देखो कुछ इस टाइप से आपको मिलने वाला है। और उसके बाद पीछे देखिए तो आपको यहाँ पे देखो रॉनिन बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ नजर आएगा। पीछे में सस्पेंशन आपको वही मिलते हैं यहाँ पे देखिए। और पीछे का पोर्शन देखो काफी ज्यादा एकदम आपको खुला खुला सा महसूस होगा। तो भैया टीवीएस रॉनिन को मॉडिफाई करके कुछ ऐसा बना दिया जाएगा, है ना। अभी तो मैंने आपको एक ही दिखाया है, अभी देखिए दूसरी यहाँ देखिए। तो देखिए ये है रॉनिन का असली हेडलाइट सेटअप। ये देखिए रॉनिन में ऐसे मिलता है ना आपको, वही देखिए। और कितना ज्यादा भयंकर मोटा सा टायर यहाँ पे दिया गया भाई, मुझे तो लगता है ट्रैक्टर वाले टायर है यहाँ पे। और कुल मिला के जो इसकी फोक है वो देखिए कैसे आपको मिल रहे हैं। और ओवरऑल लुक डिजाइन वो देखो आपको कैसे मिल रहा है। मतलब कुल मिला के ना एक क्लियर मशीन हो चुकी है और रॉनिन को मॉडिफाई करके कुछ ऐसा लुक दिया गया है जो आप यार सोच भी नहीं सकते। यहाँ पे देखिए रेडियल टायर है, इसकी ग्रिपिंग देखिए कितना ज़्यादा वाइड है, कितना ज़्यादा खतरनाक भाई। ये देखिए पीछे में डिस्प्ले, एक ओपन चेन सेट का और एग्जॉस्ट, वाओ क्या ही एग्जॉस्ट दिया गया है। फ्यूल टैंक टॉप से कुछ ऐसा, ये देखिए भाई, मतलब क्या ही तबाही लुक यहाँ पे बना दी गई है भाई टीवीएस रॉनिन को मॉडिफाई करके। ये देखिए इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखो। तो भैया ये है ऑटो एक्सपो 2024 में और ये आपको आने वाले टाइम में लॉन्च भी होगी, आपको डीलरशिप पे भी अवेलेबल भी होगी, आपको मिलेगी भी और आप इसे परचेज भी कर पाओगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करना। अगर चैनल पर भाई नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे कंटेंट लेके आता रहूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।